सो दोस्तों, मैं तैयार हो गई हूँ और काम वाम फिनिश करके, नाश्ता वाश्ता करके अब मैं रेडी हूँ अपनी रील्स शूट करने के लिए। मैंने कुछ ये क्रॉप टॉप और ये जीन्स पहन के मैंने आपको अभी दिखाया, तो मैं रील्स बनाने के लिए आ गई हूँ और बनाते हैं रील्स। और उसके बाद मुझे एक वीडियो भी शूट करना है, तो मैं ये काम खत्म कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और टाइम हो गया है, पूरे 2:30 बज रहे हैं अभी। देखते हैं मुझे कितना टाइम लगेगा, फिर मैं आपको अपडेट करती हूँ कि मैं कितनी देर में यहाँ से फ्री होती हूँ, उसके बाद का नेक्स्ट प्लान आपको बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, अभी वीडियो शूट कर ही रही थी कि उसके बीच में मम्मा आ गए थे जूस देने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो पहले ये पी लेते हैं। ऑरेंज जूस बनाया था मम्मा ने घर पे ही, हम लोग छुट्टी वाले दिन निकाल लेते हैं, अब तो किन्नू का मौसम चल रहा है तो ये पी लेते हैं। तो मैंने कहा चलो, बीच में मम्मी कह रहे पहले इसको पी ले, उसके बाद अपनी वीडियो शूट करते रहिए, तो मैंने कहा चलो ब्रेक ले लेते हैं 5 मिनट का, उसके बाद चल रहा है। वीडियो अभी कंटिन्यू ही है मेरी, कंप्लीट हो जाएगी फिर आपको बताती हूँ। और अभी टाइम हो गया है गाइज 4:45, मैंने 2:30 बजे यहाँ पे काम शुरू किया था गाइस, 4:45 हो रहे हैं अभी, मुझे आधा घंटा और लग जाएगा, उसके बाद आपको मिलती हूँ। चीयर्स। अब आके मैं फ्री हुई हूँ अपनी रील से, अपनी वीडियो शूट से, जो भी था मेरा काम अब खत्म हो गया है। अब शाम की तैयारी करेंगे, शाम को क्या प्लानिंग है वो आपको मैं बताऊंगी। एक मैरिज पे जाना है मुझे शाम को, अपनी एक फ्रेंड की मैरिज है, वेडिंग पे जाना है। देखते हैं, प्लान तो है अभी चलने का, तो अभी तो 4:15-4:30 हो गए। अपने फ्रेंड्स से बात करती हूँ, अपने फ्रेंड्स जो जाएंगे साथ में उनके साथ ही प्लान किया था, तो वो भी अटेंड करेंगे, आपको साथ लेके चलूँगी अगर गई तो। पूरी तैयारी है वैसे तो अभी तो। अभी टाइम क्या हो रहा है गाइस, अभी हो रहा है 4:30, तो 4:30 बजे मैं फ्री हुई हूँ। और अभी अभी जस्ट मॉम डैड भी कहीं से आए हैं, मार्केट चले गए थे, मैंने आपको बताया था ना मैंने लेस दिखाई थी, तो टेलर को लेस देकर आए हैं, 2-4 काम मार्केट के निपटा कर आए हैं, सब्जी वगैरह लेकर आए हैं। तो गाइज चले गए थे बाटा मोम डैड, और वहाँ से पापा के लिए लेकर आए हैं स्लीपर्स, चप्पल जो कि टूट गई थी, ये देख सकते हो आप, इस तरीके की हैं, काफ़ी अच्छी है, कुशनिंग भी काफ़ी सही दी हुई है। सो प्योर लेदर है। कितने की है मम्मा ये? 1500 रुपीज़। सेल नहीं थी कोई, तो ये 1500 रुपये की फ्रेश में ही ली है, लेकिन अच्छी है क्वालिटी, मुझे सही लग रही है, और काफ़ी सही लेदर भी, क्वालिटी भी अच्छी है। सो ये लेकर आए हैं, और अभी क्या कर रहे हैं वो भी दिखा देते हैं अभी। तो अभी इन दोनों से भी मिल लीजिए दोस्तों, ये क्या चल रहा है यहाँ पे, ये दोनों जो भी काम करते हैं एक साथ ही करते हैं, प्यार ही बहुत है, है पापा, जितना प्यार है उतनी लड़ाई भी बचती है फिर, है ना, बोलोगे तो चलता रहता है, इतने साल तो निकल गए लड़ते झगड़ते ये, लेकिन ये है कि जैसे मर्जी है, कोई भी काम अकेले नहीं होता, दोनों मिलजुल के करते हैं। देखो जब भी आप देखो कि मक्खन बना रहे होंगे, कभी कुछ कर रहे होंगे, करेंगे एक साथ ही। तो पिताश्री, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे, टिप्पणी देना चाहेंगे कोई? शादी हुई थी, हाँ, पंडित जी वचन भी भरवाते, तो ये तो उल्टा हो गया ना, अब तो पति ही मानता रहता है, पत्नी तो मानती नहीं, सिर्फ पति ही, हाँ वही बोल रही हूँ मैं अभी, वही बोल रही हूँ कि पति को ही माननी, पत्नी को नहीं माननी इस घर में, यही बोला था, बोला था लेकिन कानून बदल गया। पापा ये तो पहले की बात हो गई, आज की डेट में क्या कानून है फिर? ये कानून है, इसी की माननी पड़ेगी, हमें तो हमें मानने के लिए, नहीं नहीं ये तो आपकी जनरेशन का हो गया ना, आज की जनरेशन के लिए क्या कानून है, आजकल रिवाज ही नहीं है ऐसा कुछ, आजकल दोनों की माननी पड़ती है, एक कभी एक ने भी नहीं मानी तो पंगा हो जाता है फिर, आजकल के बच्चे नहीं इस चीज को वो मानते हैं। पहले के टाइम के रिश्तों में और आज के रिश्तों में बहुत फर्क है, ये तो सभी एग्री करेंगे। सो गाइज, मॉम का फेस इतना क्लियर क्लियर क्यों लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, ये लिपस्टिक का शेड बड़ा जस्ता आपके ऊपर, फालसा कलर, सच में बहुत अच्छा लग रहा है ये, है ना पापा, देखना अच्छा लग रहा है ना। सो ये तो बताओ, ये कर क्या रहे हो आप लोग? हरी चटनी, माई गॉड, हरी चटनी बनेगी आज, कुछ स्पेशल रेसिपी बननी है क्या? क्या ऐसे ही बना रहे हो? तो इसकी तैयारी चल रही है, पुदीना और हरा धनिया साफ किया जा रहा है गाइज। सो गाइज, मैं आ गई अब किचन में, पापा का मन है पुलाव खाने का, तो सोच रहे कि चलो पुलाव बनाते हैं। और वो देखो सब्जियां मैंने निकाल दी है, गोभी, आलू और गाजर, मटर छिले पड़े हैं वो मैंने भिगो दिए हैं, राइस भिगो दिए हैं, अब बनाते हैं पुलाव, यम्मी सा वेज पुलाव। तो रेसिपी तो देने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी जानते होंगे पुलाव का, तो मैं बना के झट से आपको दिखाती हूँ कि मेरा पुलाव कैसा लगेगा लुक में, बना लेती हूँ फिर आपको मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये पुलाव रेडी कर लिया है हमने, और अब हम खाने लगे हैं, ये देख सकते हो आप ये सबके प्लेट्स में, और बस एंजॉय करते हैं, आ जाओ जी जिसको खाना है।
सो फ्रेंड्स, मैं फाइनली जा रही हूँ शादी पे, जिसकी मैं बात से डिस्कस कर रही थी ना आपसे कि मेरे एक फ्रेंड की वेडिंग है, उसके लिए जाना है। तो मैंने ये रेड वाला सूट निकाल लिया है, ये मैंने साक्षी के ब्रदर की वेडिंग पे पहना था, आपने शायद देखा होगा। तो मिलती हूँ रेडी होके। सो गाइज, मैं तैयार हो गई हूँ और आप मेरा लुक देख सकते हो, फुल लुक। कैसा लग रहा है मुझे कॉमेंट करके आप ज़रूर बताना। ये रेड कलर का जो शरारा सूट मैंने वेयर किया है, सो कुछ ज़्यादा मेकअप वगैरह तो मैंने नहीं किया है, सिंपल ही हूँ, लेकिन अच्छा लग रहा है मुझे रेड कलर, सो इसीलिए। और चलते हैं वेडिंग पे, बस मुझे लेने के लिए मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, वो आते हैं फिर उसके बाद उनसे मिलवाऊंगी आपको, और वहीं चल के आपको दुल्हन से भी मिलवाएंगे और देखते हैं वहाँ पे क्या रहता है, आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आप खाने लगे हो। नहीं नहीं नहीं, प्लेट उठाओ। ये देखिए, ये देखिए, सबसे पहले शुरू हो चुके हैं दोनों। ये तो नहीं एडिट होगा, ये तो कटेगा नहीं बिल्कुल भी। हाँ जी, वैलेंटाइन डे कैसा रहा ये बताओ पहले। एंजॉय करो। मिले, आप खाओ, आप खाओ। वैलेंटाइन डे कैसा रहा, मनाया था? हाँ सर, आप इधर उधर क्या देख रहे हो बता। नहीं मनाया था, मैं सारा दिन सोया। अच्छा, ऐसे मनाया था, ऐसे कौन मनाता सो के। हाँ जी मैम, आप बताओ आपने मनाया था वैलेंटाइन डे? मनाया था, बहुत अच्छे से, मजा आया। हाँ जी, बहुत मजा आया। क्या गिफ्ट दिया शर्मा जी ने? दो रोज लाए थे। अच्छा जी। अब मैंने देखा था फोटो में, एक गिफ्ट भी दिया था। अरे वाह। तो गाइस, खाने की शुरुआत हो गई। सबसे पहले खाया जा रहा मीठा, गाजर का हलवा, और इधर देखो पूरी प्लेट लेके खड़े
आप दिखाओ आज मैडम का फास्ट है तो मैडम यही खा रहे हैं, यही चलेगा। और ये हीरोइन देख लो कहाँ परेशान हो रही है, लाल परी या नीले परी बनी हुई है, नहीं है क्या ये। और ये भी खाना ले आए शर्मा जी और हम भी खाना ले आए हैं, खाना खा लेते हैं। और मैडम ने डबल डबल खाना खाया आज मैम, दूसरी प्लेट आई है आपकी, पहली है दूसरी शिफ्ट है, ओहो लो आपके पति आपका साथ नहीं दे रहे बताओ। सो फ्रेंड्स, मुझे अपने कलीग्स ने स्टाफ ने छोड़ दिया है बाहर चौक पे और मैं आ गई हूँ घर पे। तो बस बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया, आपने ब्लॉग में देखा ही है कितना मज़ा किया हमने। तो चलो बस चलते हैं घर पे और देखते हैं मॉम डैड क्या कर रहे हैं। मैं घर आ गई। क्या कर रहे हो, मुझे मिस कर रहे थे क्या?